हेलो स्टूडेंट, चलिए आज एक नए टॉपिक को हम रिवीजन करेंगे, जो है कि आवर्त सारणी की विशेषता। जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे या बाएं से दाएं जाने पे तत्वों में परमाणु आकार बढ़ता है या घटता है, इसके बारे में हम क्रमबद्ध से पढ़ाई करेंगे, ये रिवीजन करेंगे। चलिए तो पहले हम वर्ग की विशेषता जानते हैं। वर्ग की विशेषता, वर्ग आवर्त सारणी में वर्ग जो होता है वो होता है उदग। ऐसे वाले को वर्ग कहते हैं, जो मतलब उदग रेखा खड़ा की ओर रहता है उसे वर्ग कहते हैं, या समूह भी कहते हैं। लेकिन ऐसे जो क्षैतिज कतार आता है, भर्ती क्षैतिज हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं, इसको बोलते हैं आवर्त। मतलब यहाँ बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, या ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, इसके बारे में चलिए तो देखते हैं। पहले वर्ग की विशेषता में देखते हैं कि पहला लेते हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। कैसे, जैसे पहला हम लेते हैं वर्ग हलीना। अब ये ट्रिक की तरह आ गया, जैसे देखिए इसका अधिक परमाणु एक, इसका तीन, इसका ग्यारह, धीरे धीरे क्या हो रहा, बढ़ रहा। इसी तरह से परमाणु संख्या जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे तो क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। ये हो गया पहला। दूसरा पॉइंट लेते हैं धनात्मकता। मतलब देखते हैं कि वो धनात्मक में प्लस माइनस, यानी कि वो जो से निजकता होगा प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो ऊपर से हम जब नीचे आते हैं तो प्लस वाला यानी उसका परमाणु धनात्मकता में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। ऊपर से सब हम नीचे में आ रहे हैं तो क्या होगा, बढ़ता। अब आते हैं परमाणु आकार, ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखने में भी थोड़ा ध्यान रखना होना जरूरी है, परमाणु आकार। अब हम परमाणु आकार की बात करते हैं तो चलिए दो तत्व लेके देखते हैं ऊपर से नीचे आने पर। एक सोडियम के लेते हैं Na, इस पहला कक्षा में दो, दूसरा में आठ और तीसरा में एक, ये बन गया। इसी तरह से और लिखते हैं, और लिथियम का लेते हैं, पहला में दो दूसरा में एक, यानी पर देखिए जब ऊपर से हम चलेंगे तो पहला में आ रहा है लिथियम और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो देखिए इसका आकार, देखिए छोटा इसका आकार बड़ा, मानी ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार क्या होता है, वृद्धि होता है। आकार में क्या होता है, ये भी बढ़ता है। अब आते हैं परमाणु त्रिज्या। अब देखिए आकार, अब आकार की बात, त्रिज्या की बात करते हैं। त्रिज्या देखिए, अगर हम त्रिज्या वृत्त में होता है, यहां देखिए वृत्त है, वृत्त में इसका देखिए त्रिज्या है, यहां छोटा, यहां त्रिज्या क्या हो रहा है, बड़ा हो गया। मतलब है कि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या भी क्या होगा, बढ़ेगा। परमाणु त्रिज्या भी क्या होता है, बढ़ता। और अब लेते हैं ऋणात्मकता। ऋणात्मक जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर देखिए, जैसे हम किधर भी
में बाएं रहे या तो दाएं, जब ऊपर से हम नीचे तक आते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर धनात्मक में वृद्धि हो रहा था, और धनात्मक जब वृद्धि होगा यानी ऋणात्मक में घटेगा, ये उल्टा हो जाएगा उसका, घटता मतलब ऊपर से नीचे आने पे, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे विद्युत ऋणात्मकता का होता है घटता है, या परमाणु ऋणात्मकता घटता है। अब आगे चलते हैं धातुई गुण, धातुई पूरा ऊपर से नीचे आने पे धातुई गुण भी क्या होता है, बढ़ता है। जैसे देखिए अगर ऐसे वर्ग में बात करेंगे तो पहले वर्ग में जो होगा, पहले वर्ग में सब का सुनिजकता एक होगा, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर उसका त्रिज्या जो बढ़ेगा तो उसका धातुई गुण, जब त्रिज्या बढ़ेगा तो उसके साथ साथ उसका धातुई गुण भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब आगे चलते हैं अधातुई गुण, अधातुई गुण जब ऊपर से नीचे आने पे धातुई गुण बढ़ रहा था तो अधातुई गुण क्या होगा, घटेगा। जैसे ये दोनों का जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या होगा, अधातुई गुण घटता है। चलिए तो आप देखते हैं आवर्त सारणी में हम वर्ग की विशेषता पढ़ लिए, आप पढ़ते हैं आवर्त की विशेषता। आवर्त कैसे, आवर्त खड़ा वाला लाइन को बोलते हैं कि क्षैतिज वाले को, तो हम आवर्त बोलते हैं क्षैतिज वाले को, और उदाग्र वाले को बोलते हैं वर्ग या समूह। अब आवर्त की विशेषता में पहले चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम चलेंगे तो बाएं से दाएं जाना, इसमें इसमें बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, दाएं जाने पर ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाएं से दाएं जाने पे पहले वर्ग में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से एक होता है, लेकिन हम कुछ कुछ आगे चलेंगे, एक फिर दो तीन चार यहाँ तक आगे वृद्धि होगा, लेकिन इसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होगा, घटना शुरू कर देगा, कहाँ तक जाएगा, जीरो तक। मतलब अंतिम वाले यानी वर्ग 18 वाले का कितना हो जाएगा, समझ सकता, जीरो। और इधर से एक से वृद्धि होगा, एक से वृद्धि मतलब पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। अब दूसरा चलते हैं धातुई, धातुई गुण, धातुई गुण जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो बाएं से दाएं जाने पर धातुई गुण क्या होता है, हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में बाएं तरफ धातु होता है और दाएं तरफ अधातु होता है, तो हम बाएं तरफ से जब दाएं तरफ जाने मतलब अधातु की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, अधातुई गुण क्या होगा, घटेगा। अधातुई गुण बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, घटेगा, क्योंकि बाएं तरफ अधिकांश मतलब सब क्या होते हैं, धातु, और दाएं तरफ अधातु, तो घटेगा। अब चलते हैं अधूत अधातुई गुण, जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा, तो अधातुई गुण क्या होगा, जब धातु गुण घट रहा था तो अधातुई गुण क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ठीक है, अब आगे चलते हैं परमाणु आकार, परमाणु आकार, अब इसमें परमाणु आकार की बात करते हैं, तो परमाणु आकार इसमें क्या होगा, जैसे हम देखते हैं यहाँ एक बनाते हैं, जैसे एक लेते हैं एक लाइन से, जैसे सोडियम, और इधर सोडियम के बाद होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को हम लेते हैं, दोनों का है एक ही आवर्त में, तो पहला में दो, दूसरा में आठ, तीसरा में एक, इसमें दो आठ यहाँ दो। देखिए हम जब आगे बढ़ें मतलब बाएं से दाएं बढ़ें तो परमाणु त्रिज्या मतलब त्रिज्या क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, लेकिन देखिए इसका कक्षा भी क्या सेम है, लेकिन हमको परमाणु आकार पता लगाना है कि परमाणु आकार जब बाएं से दाएं जाते हैं तो बढ़ता है या घटता है। तो परमाणु आकार देखिए, जब दोनों कक्षा तो सेम है, लेकिन इसमें अंदर कितने हैं न्यूट्रॉन की संख्या, इसमें 11 न्यूट्रॉन है, क्यों, सोडियम है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींच के अपनी ओर रखेगा,
इसमें 12 न्यूट्रॉन है और 12 न्यूट्रॉन इसको क्या करेगा, खींच के रखेगा। तो इसके पास नाभिक में जो एनर्जी है मतलब ऊर्जा है क्या ज्यादा है, तो इसको खींचेगा, ज्यादा खींच के रखेगा। और अपने तरफ अगर ज्यादा खींच के रखेगा तो ये क्या हो जाएगा, छोटा। और इसके पास कम है, और कम है तो अपने खींच के रखेगा तो कम खींचे पड़ेगा। यानी कह सकते हैं कि जब इधर बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार क्या होता है, घटता है। बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, परमाणु आकार घटता है। इसी तरह से आप लेते हैं परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या। अभी फोटो में जस्ट देखें इसमें क्या हो रहा है, जब इसको तीर के घीच के रख रहा है तो परमाणु भी तो क्या होगा, साथ ही साथ उसका आकार छोटा होगा, यानी त्रिज्या भी छोटा होगा, आकार भी छोटा होगा, यानी त्रिज्या भी क्या होगा, घटेगा, घटता है। जैसे देखिए कि अगर आप घर में रहते हैं, घर में रहते हैं तो आपके साथ गार्जियन भी रहते हैं, तो आप अगर रात में लेट से आते हैं तो लेट से आने पर आपको गार्जियन बोलने लगेंगे, हो सकता है कि पीठ भी दे। लेकिन अगर जब आप बाहर रहते हैं तो बाहर रहने पर क्या होगा कि आप अपने मन के मालिक है, अपने मन के मालिक है, लेट आ रहे हैं, मतलब है कि आप जितना दूर जाइएगा तो आपको बोलने वाला कोई नहीं है, यानी आपको खींचने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा। या आप फिर कह सकते हैं उसका खींच के अगर रखते हैं, अंदर न्यूट्रॉन की संख्या अगर ज़्यादा है तो हम खींच के रखते हैं तो छोटा हो जाता है, अगर न्यूट्रॉन की संख्या अंदर कम है तो खींचते हैं तो कम खिंचाएगा, और कम खिंचाएगा तो यानी उसके अपेक्षा ही क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, त्रिज्या। अब आते हैं आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा की बात करते हैं। आयनन ऊर्जा क्या है, किसी भी तत्व के या जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तब उसके बारीक कक्षा में संयोजी उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन को खींचने में, जब अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपना आदान और प्रदान करता है, तो खींचने में जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो आयनन ऊर्जा, तो आयनन ऊर्जा आप जैसे देखें कि हम बनाए तो इसमें सोडियम में क्या था, 11 न्यूट्रॉन था, और मैग्नीशियम में क्या हो गया, 12। तो यानी हम धीरे धीरे उसको खींचने में ज़्यादा एनर्जी, और खींच के छोटा कर रहे थे तो त्रिज्या छोटा हो रहा था, लेकिन खींच कैसे रहे थे, उसके पास ऊर्जा ज़्यादा था, इसलिए खींचने पर क्या हो गया, वो छोटा हो गया। यानी कह सकते हैं कि बाएं से दाएं जाने पे उसका आयनन ऊर्जा क्या होता है, बढ़ता बढ़ता। अब चलते हैं परमाणु त्रिज्या और सब हो गया, चलिए तो ठीक है। इसी तरह से आप रिवीजन करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मुझको कितना बताए कोई, ऐसे तुझसे दिल ना लगा।